बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिलेटेड टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एंड मेनी मेनी पॉइंट चार्ज सिस्टम्स। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1, THY 401, BS फिजिक्स, थर्ड सेमेस्टर इवनिंग, फॉल 2021। सो इन द लास्ट लेक्चर वी वर डिस्कसिंग अबाउट द electric charges, electric field, electric forces, electric flux and their estimation for the continuous charge distribution schemes, Gauss's law, Shell theorem, and recently we have studied about the electric potential energy and electric potential and what is and their different their relationship about how the electric charge produces the electric potential and what is the physical meaning behind these terminologies. Now today we are going to discuss about the equipotential surfaces. ये कैसी होती हैं, आज के लेक्चर के अंदर हम वो डिस्कस करेंगे कि equipotential surfaces क्या है। Then we will discuss about the electric potential for a point charge, के electric potential point charge के लिए कैसे find out किया जा सकता है। Then we will discuss about the electric potential for multiple charges, और ये multiple charges के लिए कैसे find out करेंगे इस लेक्चर के अंदर। So let's start with the equipotential surfaces. As you can see here, the name equipotential surface is given to any surface consisting of continuous distribution of point charges, points having the same electric potential. So in a very simple word, you can say that ke equipotential surface wo hoti hai jiske upar is puri surface ke upar jo electric potential hota hai wo sare ka sara sabke liye kya hoga, same hoga. That is the first meaning of that. So the second one is the equipotential surfaces are always perpendicular to the electric field lines. Yaad rakhiyega ke jo equipotential surfaces hoti hain wo hamesha perpendicular hoti hain electric lines ke. So you can see here these are the dashed line, orange color ki ye line hai aapko nazar aa rahi hai screen ke upar. To electric field line ke exactly 90 degree develop kiya ja sakta hai yahan pe. Ye sab ki sab jo hai आप देख सकते हैं 90 डिग्री के ऊपर है। सो दिस 90 डिग्री रिप्रेजेंटिंग द परपेंडिकुलर पार्ट। सो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इधर हो बॉडी, बॉडी इधर हो, चार्ज बेशक इधर पड़ा हो, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हो, तो इन सब के ऊपर हमेशा क्या होगा, एक जैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। सिमिलरली फॉर द केस ऑफ ये तो वो आपके पास इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं जो बिल्कुल ही लीनियर फॉर्म में है। अगर आपकी जो इलेक्ट्रिक लाइन्स हैं और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन, अगर आपके पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा कि यहाँ पे दी गई है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और मोनो चार्ज के जरिए से हो रही है, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो ये जितनी भी लाइन्स निकल रही हैं अगर इनके ऊपर हम सर्कुलर ड्रा करें तो ये जो हर एक का जो वेव फ्रंट बन रहा है इसका, यू कैन से सर्कुलर पार्ट, वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है जी, perpendicular है। So this perpendicular lines which are crossing to the electric lines, तो हम इन्हें क्या कह सकते हैं कि इन सर्कल को कहेंगे कि ये equipotential surface है। तो ये एक sphere की form में हो सकते हैं। So these are the forms of line, ये जो आपके पास ये planes की form में थे जी, और ये वाली क्या है जी, ये आपके पास surfaces की form में या spheres की form में। तो इसका potential different है, इसका potential different है, इस surface का potential difference है। तो ये डिफरेंटली ओरिएंटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर्फेसिस, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हैं, बट हर एक स्फीयर का एक जैसा पोटेंशियल है। इसका पोटेंशियल एक है, इसका डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, तो ये स्टेप बाय स्टेप जो है अपने पोटेंशियल को चेंज करते जा रहे हैं। इन द सिमिलर वे यू कैन सी हियर कि अगर कोई पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे भी आपके पास क्या है कि ये कर्व्ड लाइंस के लिए तो हमने इसके ऊपर स्फीयर टेंजेंट, यू कैन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा इस तरह से कि वो सर्कुलर पाथ के ऊपर ये ड्रॉ करते हुए चलते हैं, जबकि आपके पास जहाँ पे ये लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती हैं वहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। इन सब के लिए आपके पास जो पोटेंशियल होगा वो सबके लिए क्या है जी, हर एक लाइन और पाथ के लिए क्या है, सबके लिए ये परपेंडिकुलर है और ये सेम रहेगा। सो दीज आर द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, यू कैन से द डायग्राम्स फॉर द इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस। सो द नो, और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी चाहिए कि जब हम किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होंगे तो नो वर्क डन इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल व्हाइल मूविंग द पार्टिकल अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रखिएगा कि जब आप किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे होंगे तो उसके ऊपर किसी किस्म का भी वर्क डन जो होगा चार्ज के ऊपर नहीं होगा, और उस हवाले से आपके पास जो होगा टोटल वर्क डन जीरो होगा।
इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस को अगर आप समझना चाहते हैं तो इसका वही क्राइटेरिया और वही फिलोसफिकल एनालिसिस है जो आप ग्रेविटी के लिए अप्लाई करते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर एक पर्टिकुलर हाइट पर रखा हो और आप इस बॉडी की पोजीशन उसी हाइट को बरकरार रखते हुए चेंज करते जाएं, तो कभी भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती। इन द सेम वे वी हैव द सेम सिचुएशन है कि आपके पास एक फॉर एग्जाम्पल टेबल हो और उसके ऊपर किसी हाइटेड फॉर्म के ऊपर आपने किसी बॉल को रखा है या फिर किसी दूसरे बॉल को रखा है, तो उन सब के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। तो इसी तरह आपके पास यही सिचुएशन है कि अगर आपके पास किसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज है और वो उसी सरफेस के अलोंग ही रहता है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी सेम रहेगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी सेम रहेगा। तो इस तरह की सिचुएशंस के अंदर आपके पास ये सारी चीजें क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। सो एनालॉजी टू द ग्रेविटी की, द इक्विपोटेंशियल सरफेस लाइक द हाइट लाइंस ऑन द टोपोग्राफिक मैप, तो उसमें के ऊपर जो आपके पास हाइट है ये वैसे ही रहेगी। फॉलोइंग सच अ लाइंस मीन दैट यू आर रिमेन एट द सेम हाइट, नादर गोइंग अप और नादर गोइंग डाउन, नादर गोइंग डाउन। सो दैट्स व्हाई अगेन नो वर्क इज डन। तो इस वाले से आप जब अपनी हाइट को चेंज ही नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली जो टोटल वर्क डन होगा वो जीरो रहेगा। इन द सेम वे, इन द सेम सिनेरियो वी कैन से दैट व्हेन वी हैव अ चार्ज पार्टिकल एंड ऑन द सरफेस, देन ओवरऑल जो नेट वैल्यू होगी वो आपके पास क्या रहेगी? वो जीरो रहेगी वर्क डन की। सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन, वी हैव अ क्वेश्चन हियर एंड दिस क्वेश्चन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास टोटल फोर इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस हैं जैसा कि इधर बताया गया हुआ है। फॉर द केस आपके पास फैमिली ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, वी वन इज इक्वल टू 100 वोल्ट है जी, वी टू इज इक्वल टू 80 वोल्ट है, वी थ्री इज इक्वल टू 60 वोल्ट है और वी फोर जो है वो 40 है। सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम राइटिंग हेयर 100 वोल्ट क्योंकि ये इस सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। वी आर रिप्रेजेंटिंग द 80 वोल्ट हेयर, सेकेंड वी टू है, वी थ्री जो है वो 60 वोल्ट है और ये वाला है, ये है आपके पास 40 वोल्ट। सो यू कैन अंडरस्टैंड हेयर वी हैव फोर सर्फेसिस एंड एवरी सर्फेस हैज कॉन्स्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड दिस इज दी 180, 60 एंड 40 वोल्ट। सो क्वेश्चन क्या है जी? W1, W2, W3, W4 आर द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ चार्ज पार्टिकल Q एज अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ठीक है जी, तो आपने फिगर्स को देखना है गौर से और जो उनके पाथ है उनको जरा समझना है। जस्ट लाइक फॉर W1 रिप्रेजेंट द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम फॉर द सेक ऑफ पार्ट वन, सो ये पाथ वन है। सिमिलरली पाथ टू है, पाथ थ्री है एंड द पाथ फोर है। तो विच स्टेटमेंट इज फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ठीक है जी, तो आपने इन सारी फिगर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद समझना है कि कौन सी जो सिचुएशन है वो दुरुस्त नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद दी कंप्यूटेशन ऑफ द वर्क डन जो कि हम निकालना चाहते हैं और उसके मुताबिक जरा देखते हैं। सो द सबसे पहला जो पाथ है दैट इज द वन, अगर आप गौर करें तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों ही क्या है? एक ही सरफेस के ऊपर है। अगर ये दोनों एक ही सरफेस के ऊपर हैं तो ऑब्वियसली इनके ऊपर किसी किस्म का कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज द ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। तो अगर आपका पोटेंशियल ही कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसीलिए फोर्स क्या होगी? वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉलो करती है, क्यू ई। तो फोर्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो एफ इज इक्वल टू क्यू यू कहता है कि आपके पास फोर्स क्या होगी जी? जीरो। तो दैट्स व्हाई वी हैव हियर जीरो वर्क डन। तो इसीलिए आपके पास जो W1 होगा उसका जो वर्क डन है वो क्या है? जीरो। सो विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो पहली स्टेटमेंट से हमें पता लगा कि जो आपके पास वर्क डन है वो क्या है? W1 जो है वो जीरो है। अब देखते हैं W2 क्या कहता है। अगर आप गौर करें देन W2 इज गिविंग यू अ वेरी एक्साइटिंग थिंग हियर कि W2 का इनिशियल पाथ भी क्या है जी? आपके पास V3 सरफेस पे है और इसका फाइनल पाथ भी V3 सरफेस पे। सो इट्स मीन इट इज आल्सो गिविंग यू द W जीरो वैल्यू ऑफ द वर्क डन। सो इट्स मीन दिस दिस ऑप्शन इज राइट,
मीन टू से कि ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा गया है कि W1 इज इक्वल टू W2, सो दिस इज नॉट योर आंसर, ये आपका आंसर नहीं है, बिकॉज आंसर ने कहा है कि विच इज नॉट ट्रू, सो दिस इज द ट्रू वन। तो W1 भी जीरो है और W2 भी जीरो है, वर्क डन दोनों में जीरो है, सो दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज राइट, ट्रू, इट्स अ ट्रू वैल्यू है। सो आए देखें W3 क्या है। W3 के अंदर अगर आप गौर करें तो वी हैव अ चेंज फ्रॉम फर्स्ट सर्फेस टू सेकेंड सर्फेस। तो फर्स्ट सर्फेस टू सेकेंड सर्फेस कितना चेंज है हमारे पास, वो है जी 100 से 80 का डिफरेंस है। सो द चेंज इन पोटेंशियल कितना हुआ, 100 माइनस 80 20, सो द 20 इज द चेंज इन पोटेंशियल। सो इसका मतलब ये बी वाला ऑप्शन क्या है कि ऑब्वियसली जब आपके पास चेंज इन पोटेंशियल अवेलेबल है 20 का, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास यहाँ पे क्या है अवेलेबिलिटी, कि जो W3 है इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी बात दुरुस्त हो चुकी हुई है, और ये W2 इज इक्वल टू जीरो, ये भी बात दुरुस्त हो गई है। अब देखते हैं कि क्या W3 और W4 भी सारे एक जैसे हैं। यस, वो 1 से चलता है और 2 पे आ जाता है दोबारा से, सो इट्स मीन दिस इज आल्सो द सेम। सो ओवरऑल तौर पे आपके पास जो फाइनल वैल्यू है वो क्या है कि W4 इज पॉजिटिव। तो ज़रा देखते हैं क्या W4 है, क्या वो पॉजिटिव है। तो ज़रा देखिए आपके पास W4 के अंदर आपका जो इनिशियल पॉइंट है बॉडी का वो है आपके पास V2, और फाइनल पॉइंट क्या है जी, वो है आपके पास V1। सो फाइनल माइनस इनिशियल अगर हम करते हैं तो इनिशियल वैल्यूज के अंदर जो फर्क आ रहा है, यू विल सी हियर कि ये आपके पास क्या है 80 वोल्ट पे था, अब आपके पास क्या है 100, सो इट्स मीन यू आर गेटिंग एनहांस्ड वोल्टेजेस, सो दैट्स व्हाई इट विल बी अ वर्क डन ऑन द चार्ज पार्टिकल, जो कि क्या होगा नेगेटिव होगा, सो दैट्स व्हाई द वर्क डन विल बी क्या होगा जी, पॉजिटिव नहीं होगा बल्कि नेगेटिव होगा, सो दैट्स व्हाई दिस इज द रॉन्ग वन। जितना आपको याद हो कल हमने किया था कि अगर कोई चीज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाएगी चार्ज पार्टिकल्स, तो वो पॉजिटिव वर्क डन करेंगे। अगर आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ उसको लेके जाने की कोशिश करेंगे चार्ज पार्टिकल को, तो वो क्या करेगा उसके ऊपर नेगेटिव वर्क डन करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज द राइट आंसर, सो दिस इज आवर राइट आंसर कि आपका जो W4 है वो नेगेटिव होना चाहिए जबकि ये पॉजिटिव है। तो उसने पूछा भी यही था कि स्टेटमेंट में कौन सी चीज जो है वो ट्रू नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज द वन आंसर। सो ये सारी चीज बताने का मकसद ये है कि आपको इस तरह से सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना चाहिए और इस फैमिलीज के बारे में डिस्कशन का पता होना चाहिए ताकि आप इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझ सके। सो आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपके पास एक सिर्फ एक इलेक्ट्रिक एक पॉइंट चार्ज हो और आपने फार्मूलाज की मदद से, जिस पर हमने कल फार्मूलाज डेवलप किए थे उसकी मदद से अगर आपने ये सारी वैल्यूज को कंप्यूट करना है, तो ये फिर किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इट्स वेरी इजी, स्टार्ट विद द सेट दैट कि जो फाइनल पोजीशन है वो इन्फिनिटी के ऊपर है बॉडी की चार्ज की, और वहाँ पर पोटेंशियल क्या है जीरो, और आपका जो इनिशियल पोटेंशियल है वो वी है एट आर। सो आप इजीली डेल्टा वी वाली कल वाली इक्वेशन के अंदर वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं इंटेग्रल इनिशियल टू फाइनल माइनस ई डॉट डी एस, और ये माइनस इनिशियल टू फाइनल वैल्यू ई कॉस थीटा डी एस, बिकॉज इन सब की जो वैल्यू है आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो उस पोजीशन के हिसाब से आपके पास इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हम इसकी ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक लाइन और ये सारा कुछ एक दूसरे के पैरेलल है, तो उस वाले से आपके पास क्या होगा ई कॉस थीटा 0 डिग्री पुट करेंगे पैरेलल डी एस आ जाएगा, और डी एस की वैल्यू आपके पास है जी आर, सो वी कैन गेट हेयर द वैल्यू ऑफ माइनस आर टू इन्फिनिटी ई डी आर आ जाएगा, ठीक है जी, ये 1 हो जाएगा और ये 1 वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ता, वी गॉट हेयर 1 ई डी एस है, ई डी एस को आप आर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, सो इट बिकम्स हेयर आर, आपकी इनिशियल वैल्यू है आई की जगह पे हमारे पास क्या आएगा आर आ जाएगा, और एफ की जगह पे आपके पास क्या आएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, तो उस वाले से हमारे पास क्या होगा ये वैल्यू आर और इन्फिनिटी बिकम्स हो जाएंगी। उस वाले से ई इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू ओवर आर स्क्वायर है यहाँ पे, तो उस वाले से आपके पास ई की वैल्यू को हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, तो E की वैल्यू इस इक्वेशन से पुट करने से आपके पास आ जाएगा 0 - V = -Q 4π ε0 r से 1/r²
और ये वाली आपके पास वैल्यू हो जाएगी 1 ओवर आर स्क्वायर डी आर. सो वी हैव हेयर क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर. ये फाइनल वैल्यू आपने क्या करना है, इजीली इसकी इंटीग्रेशन करेंगे. इंटीग्रेशन का बहुत आसान तरीका है कि आप जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी पावर होगी -2 और इसका डेरिवेटिव मौजूद है साथ में. सो वी हैव हेयर पावर एक ऐड हो जाती है इंटीग्रेशन करने से और उसी से डिवाइड कर देते हैं. सो वी हैव द आंसर ऑफ -2 + 1 over -2 + 1 से डिवाइड कर दिया हमने. सो वी हैव हेयर द माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे और ये 1 ओवर आर आ जाएगा आर से लेके इन्फिनिटी. सो वी हैव हेयर द माइनस वैल्यू 1 ओवर आर 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर. तो इनिशियल वैल्यू थी 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट माइनस 1 ओवर आर. तो ये माइनस साइन जो है वो माइनस के फॉर्म में चला जाएगा. सो वी गॉट हेयर पोटेंशियल एज अ फंक्शन ऑफ आर 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर. तो उस वाले से आपके पास जो फाइनल वैल्यू निकल आती है वो पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट चार्ज वो निकल आएगी. तो इसमें गौरतलब बात यह है कि अगर आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, जो पोटेंशियल होगा वो पॉजिटिव क्रिएट करेगा. अगर आपके पास नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा. तो इस इक्वेशन से आप ये बात भी समझ सकते हैं. सिमिलरली वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट कि जब आपके पास बहुत सारे चार्जेस हों, फॉर एग्जाम्पल वी हैव नंबर ऑफ चार्जेस, तो इन सब का जो है वो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है. इट्स वेरी सिंपल थिंग कि आप उसी क्वेश्चन को लेंगे 5 - EDS और इनके अंदर आपने क्या करना होगा, समेशन साइन अप्लाई कर देना होगा. समेशन साइन जो है वो इसकी डायरेक्ट समेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और टोटल जो चार्जेस हैं वो उसके पोटेंशियल को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ दैट हम उसके अंदर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि स्केलर जो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. सो दैट्स व्हाई वी कैन डायरेक्टली ऐड देम इन एज अ अलजेब्रिक सम. तो इसलिए हम उनको इजीली अलजेब्रिक सम की तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. और अगर आप मैथमेटिकली इसको करना चाहते हैं मजीद क्लेरिफाई करने के लिए, तो आप 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आई ओवर आर आई, और ये आई आई ए इज स्टैंड फॉर 1 एंड अप टू एन तक, इन सब के समेशन को राइट अप कर सकते हैं. द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट के जो ई है मे बी जीरो वेयर वी डज नॉट इक्वल टू जीरो. याद रखिएगा कि ई जो है वो जैसा कि इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस के लिए हमने देखा था, तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे आपके पास V तो है मौजूद होता है बट आपके पास E क्या है वो जीरो हो सकता है. इन द मीन वाइल ई डज नॉट इक्वल टू जीरो, और इसी तरह से कि E जो है वो कहीं सी ऐसी जगह पे जीरो नहीं होता जहाँ पे V मे बी इक्वल टू जीरो. तो ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है. ठीक है, सो इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वी हैव अनदर क्विज टाइप लिटिल बिट क्वेश्चन. आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से खुद के फोकस करके देखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर है v इज इक्वल टू जीरो एंड e इज इक्वल टू जीरो एट रेड पॉइंट्स. तो आपने इन सारी सिचुएशंस के अंदर देखना है कि जहाँ जहाँ मैंने रेड पॉइंट छोड़े हुए हैं वहाँ वहाँ आपके पास जो है v जीरो होता है या e जीरो होता है, और कैसी सिचुएशन होती है. इन सारी सिचुएशंस को आपने कोशिश करनी है समझने की और उसके मुताबिक ताकि ये सब कुछ अंडरस्टैंड किया जा सके. ठीक है, सो दिस इज योर फॉर योर होमवर्क टाइप. आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से देखना है, देखने के बाद मुझे बताइएगा कि ए बी सी डी और ई के लिए वी जीरो है या ई जीरो या दोनों जीरो होते हैं. सो इट्स योर होमवर्क, इसको ट्राई कीजिएगा करने की ताकि आपकी थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो. कोई मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, बट बिफोर डूइंग दैट जो है आपने कोशिश करनी है इसको फाइंड आउट करने की. इंशाल्लाह अपने अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो हम उसके लिए बात करेंगे कि अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, और उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे. जी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी. फिर भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लाजमी पूछिएगा हमारे इंटरेक्टिव सेशन के जरिए से, जूम मीटिंग के जरिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए से, और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के जरिए से आप अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर सकते हैं. जी, अल्लाह हाफिज़.